कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी ब्लॉग में आप लोगों को बहुत सारा स्वागत है, मीन्स बहुत सारा वाला वेलकम है। तो आज है सावन का पहला सोमवार और मैंने भी पूजा पाठ कर ली और ग्रीन ग्रीन साड़ी पहन ली, ग्रीन ग्रीन चूड़ी पहन ली, यही सब था और बहुत अच्छा लगता है ना। तो यही है आज का ब्लॉग, बहुत अच्छा होने वाला है, ज़रूर आप लोग देखिएगा। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूजा पाठ करके चलती हूँ किचन में और उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। हेलो एवरीवन, तो ये मैंने आलू बॉईल कर लिया है और ये प्याज एक कट कर ली है मीडियम साइज़ की और एक मिर्ची कट कर ली है, एक लहसुन की कलियां कट कर ली है। और उसके बाद मैंने रख दी है गैस पे कढ़ाई और उसके बाद डाल दिया ऑयल और ये मैंने प्याज लहसुन मिर्ची सब इकट्ठा ही डाल दिया है। और उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी और थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही पकाना है। और उसके बाद इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला आधा चम्मच के करीब और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। ये आलू को अच्छे से मैंने हाथ की हेल्प से मैश कर लिया है और इसको फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कढ़ाई में। ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, तो यही है। और इसमें स्वाद अनुसार डाल देती हूँ नमक और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हो जितना आपको ज़रूरत है। तो ये मैंने अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लिया है और उसके बाद इसमें ऐड कर देती हूँ मैं धनिया पत्ता और खूब सारा। तो यही है और अच्छे से मसाला बन के रेडी हो गया। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा पूजा पाठ करके अच्छे से आऊँगी भगवान जी की। फिर इसके बाद मैंने ये आटा भी गूंथ लिया है और उसके बाद मैं फिर आके बनाऊँगी। तो चलो आगे मिलते हैं। तो इधर देख सकते हो आप, मैं आगे नहा धो के जल्दी से हरी हरी साड़ी उड़ी पहन के और हरी हरी चूड़ियाँ पहन के, सावन है ना, आज सोमवार है तो मुझे लगा ये सब मैं पहन लेती हूँ आज। तो यही था और उसके बाद मस्त से बनाए मैंने आलू के पराठे। और ये मैंने पराठे बना के सबसे पहले इन लोग के टिफ़िन वगैरह रख चुकी थी और फिर मुझे लगा कि जल्दी से मैं पहले नाश्ते के लिए भी बना देती हूँ। और मैंने खीर भी बनाई थी, मैं भूल गई आप लोग को बताना, और मैंने पहले ही खीर रख दी थी। और ये आलू के पराठे अच्छे से मैं सेक लेती हूँ और इन लोग को फटाफट मैं खाने के लिए दे देती हूँ क्योंकि ये लोग बाबू स्कूल जाने के लिए बैठा हुआ है और जाना है, इनको ऑफिस जाना है। तो उसके बाद मैं पूजा पाठ करूँगी क्योंकि मुझे लेट हो गया था, तो इससे पहले मुझे लगा कि ये लोग बिना खाए चले जाएंगे। तो कहते हैं ना, मेरा भी मन अंदर से बहुत दुखी रहेगा, तो बिना खाए चले गए ऐसा लगेगा। और इससे अच्छा जब ये लोग खा के जाएंगे तो मुझे भी एक तसल्ली होगी, फिर बाद में आराम से बैठ के पूजा उजा करूँगी। तो यही था और चलो तो फिर दे देती हूँ इन लोग को नाश्ता। और यही आज का मेरे घर में नाश्ता बना, आलू के पराठे। और पहले तो मैंने सोचा था इसको भर के ऑयल में छान दूँगी, फिर मुझे लगा बहुत ज़्यादा ऑयल जैसा हो जाएगा, तो फिर मैंने पराठे जैसा ही बना दिया और बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और झटपट से बन जाता है। तो ये देखो खीर और पराठे बन के रेडी हैं, कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं सब्जी बेचने वाली हूँ। तो ये देखो ये सारा है, साफ करती हूँ फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो ये आई है सब्जी और सब्जी को भी मैं कर लेती हूँ क्लीन और मुझे लगा कि चलो आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ, बातें भी कर लेती हूँ और सब्जी भी साफ कर लेती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ क्या क्या सब्जी है। सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ आप लोग को कि ये है गोभी। आपको लग रहा है इस सीजन में इतनी फ्रेश गोभी हमारे यहाँ मिलती है? भाई हमें तो इतनी फ्रेश गोभी हमारे यहाँ नहीं मिलती थी, हमारे यहाँ गांव में नहीं मिलती थी, सच बता रही इतनी जो फ्रेश है। लेकिन मैं आपको बता रही ना, ये फ्रेश बेशक है लेकिन इसमें टेस्ट नहीं है, कुछ भी टेस्ट नहीं आता। जो अपने यहाँ लखनऊ साइड में गोभी वोभी मिलती है ना नवंबर दिसंबर की, आपको पता है उसमें इतना टेस्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना टेस्ट आता है। और इन सब सब्जियों में ना वो टेस्ट नहीं है घर वाला, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये है 1 kg आम, 1 kg से ज़्यादा नहीं होगा, ये पन्नी पड़ी थी तो ये 1 kg है आम। और उसके बाद जो है क्या है, ये 1 kg है टमाटर। टमाटर इसके रेट ना सच में बहुत महंगे हैं, 100 रुपये किलो है सच्ची में। आपके यहाँ कैसे है कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे यहाँ तो 100 रुपीज़ kg है साउथ में। और क्या है, हाँ ये है
धनिया पत्ता, ये है धनिया पत्ता, और उसके बाद जो है ये है मेथी, ये है मेथी। और सच में मेथी बहुत फ्रेश है, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। देखूंगी क्या बनाऊंगी, पराठा बनाऊंगी या मेथी आलू की सब्जी बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी पता नहीं, फिर देखती हूँ। तो अच्छा है ये भी। और उसके बाद जो है क्या है, कड़ी पत्ता। आपको पता है यहाँ पे कड़ी पत्ता ना फ्री में देते हैं, जैसे हमारे मिर्ची धनिया देते हैं, आपको कहीं कुछ भी नहीं देते फ्री में, लेकिन फिर भी यहाँ कह दोगे तो कड़ी पत्ता डाल देंगे जरूर। तो यही है। और उसके बाद क्या है, शिमला मिर्च, और ये है प्याज, और क्या है, और है मिर्ची हरी। ये सारी सब्जियां हैं, आपको पता है बहुत महंगी, 500 में आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या सब्जी ले रहे हैं, सच में बहुत महंगा है, बहुत महंगा, क्या बताएं। और ये है आलू, तो आलू क्या दिखाना क्या करना, वही सारी सब्जियां। और तो ये है एक पाव कैरेट, पाव के भी, और क्या है, ये है एक पत्ता गोभी। हाय ये तो मैंने देखा ही नहीं, काला हो गया, ले ली मैं लेकिन मैं देखी नहीं ये कैसा काला सा दिख रहा है, देखो क्या करें। तो ये है, और ये क्या है, मिर्ची, भजिया वाली मिर्ची मुझे बहुत पसंद है सच में, और मुझे ये भजिया वाली मिर्ची ना सच बता रही बहुत पसंद है, इसकी भजिया बनाना बहुत टेस्टी लगती है। बस ये सारी सब्जियां हैं, तो चलो आगे मिलते हैं, तब तक मैं सब्जियां साफ कर लूँ। उसके बाद आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि 500 मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सब्जी लेने जाओ तो पता ही नहीं चलता कि 500 मतलब क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जी सब्जी सब्जी। सच में बहुत महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। शाम का टाइम हो गया है, शाम का टाइम मतलब कि हो गया है रात 8:30 बज गए हैं, और उसके बाद मैं चल रही हूँ तहरी बनाने के लिए। और आप लोग क्या इसको क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ तो तहरी बोलते हैं, तो आज समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मुझे लगा तहरी बना देती हूँ। तो चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ रेसिपी, और उसके बाद देखिए और बताइए कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करना भूल जाते हो तो ऐसा काम मत करो भाई, एक रिक्वेस्ट हमारी भी स्वीकार कर लो, तो कमेंट जरूर किया करो, जो भी ये गलती होती है तो भी बताया करो, और सही है तो सही है, कोई बात नहीं। तो चलो तो ये मैंने ले लिया है धनिया पत्ता, प्याज, आलू और बीन्स, शिमला मिर्च, गोभी, टमाटर, और क्या है, हरी मिर्ची थी इसमें पता नहीं, एक हरी मिर्ची है, और धनिया पत्ता खूब सारा है, बस यही है। और ये रही, ये रहा मैं राइस पहले से धो के रखी हूँ, करीब 10 मिनट हो गया, अब चलूँगी बनाऊँगी, तो चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तहरी बनाने के लिए मैंने रख दिया है कुकर, और उसके बाद जो है इसमें डाल देती हूँ मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर इधर मैंने अपना जो भी मसाला वसाला है वो सारी चीज़ें रख ली है। किसके किसके साथ ऐसा होता है, दो दो डब्बे रहते हैं तो पता चलता है, ये हींग वाला डब्बा एक खाली हो गया है और एक है, तो मुझे बार बार खाली वाला ही हाथ में आता है। इसमें मैंने डाल दिया है जीरा चटकने के लिए, और ये हींग डाल दी है, और आज मैं फाइनली जो खाली वाला है उसको उठा के फेंक ही दूंगी, तो वही है। और ये मैंने सारी सब्जियां जितनी कट की थी ना वैसे ही सारी सब्जियां मैं इसमें ऐड कर दूंगी, कुछ भी ज़्यादा वो नहीं करना है, बस जीरा को अच्छे से चटकने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये मैंने आधी ही मिर्ची डाली है क्योंकि तीखा हो जाएगा तो कोई खाएगा नहीं मेरे घर में, और यही है। और ये देखो इसको अच्छे से भून लूँगी, और इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा मसाला हल्का सा, और थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद जो है फिर मैं इसको एक टमाटर ही डालूँगी, दो टमाटर ली थी लेकिन एक ही डालूँगी क्योंकि टमाटर भाई बहुत महंगा है, तो बस एक बस अपना काम चल जाए उतने ही डालना है, तो यही है। और इसको मैंने अच्छे से चला लिया, और इसमें जो चावल को मैंने धो के रखा था उसको ऐड कर दिया अच्छे से, और इसको भी थोड़ा सा चला लूँगी, और स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर दूँगी नमक,
नमक करूँगी अभी नहीं, अभी पहले धनिया पत्ता ऐड कर देती हूँ, क्योंकि क्योंकि ना इसके साथ में जो पकेगा धनिया पत्ता ना तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो फिर इसमें ऐड कर दिया मैंने पानी, और आप पहले भी नमक डाल सकते हो, मैं पानी डालने के बाद ही नमक डालती हूँ क्योंकि हो सकता है कम और ज़्यादा हो जाए। तो ये मैंने स्वाद अनुसार ऐड कर दिया है नमक, और उसके बाद मैं ये चला के अच्छे से कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ। तो चलो 5 मिनट बाद मिलती हूँ मैं। तो ये बन गई अच्छे से तहरी, बन के रेडी हो गई, और मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ धनिया पत्ता, और उसके बाद ये देखो झटपट से, और ये बाबू को मैं खाना खाने के लिए दे देती हूँ। और किसके घर में ऐसे बच्चे हैं जो टमाटर नहीं खाते हैं, तो मैंने टमाटर निकाल दिया, और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ मैं घी, और घी के बिना तो तहरी अच्छी ही नहीं लगती। तो यही है, कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताना, और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो ये पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो, और किसी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, हो सकता है किसी के लिए यूजफुल हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो चलो, नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोग के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो चलो, आगे मिलते हैं, बाय, टेक केयर।